हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाली वीडियोस में आपको जूलॉजी से रिलेटेड डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इन सभी का लेक्चर आपको मिल जाएगा। अभी जो हम करने वाले हैं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जी तंत्र। तो जितने भी बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं अगर उन्होंने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो पहले वाली वीडियो जाकर देख ले। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर ले क्लास को। बताओ एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। आज हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जी तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसका मतलब होता है उत्सर्जी तंत्र। मैंने आपको सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस बताई है ना, उसमें मैंने क्या क्या बताया आपको, न्यूट्रिशन बताया, खाना खाएंगे उससे पोषण लेंगे, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, डाइजेशन करेंगे, जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट करेंगे, रेस्पिरेशन सांस लेते हैं, सर्कुलेशन जो खाना खाया है जो ऑक्सीजन है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बच क्या गया, एक तो एक्सक्रीशन बच गया कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वेस्ट मटेरियल उसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सक्रीशन होती है। कौन सी प्रोसेस होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने आपको जो पांच चरण बताए थे न्यूट्रिशन के, इंजेक्शन भोजन को मुख में डालना, उसके बाद डाइजेशन उसको पाचन करना, उसके बाद एब्जॉर्प्शन उसको अवशोषित करना, उसके बाद उससे ऊर्जा निकालना, और लास्ट वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया था वो बताया था इजेशन। इजेशन मतलब वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना, जिसको हिंदी में हम बहिक्षेपण कहते थे, बहिक्षेपण। अगर इसके लिए वर्ड बहिक्षेपण इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वर्ड अलग से इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मतलब तो इसका भी यही है ना, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना। तो दोनों में फर्क क्या है, इसमें सॉलिड मटेरियल बाहर निकलता है, हमारे शरीर से दो तरह के मटेरियल जो है, दो तरह के पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं एज ए वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थों के रूप में, मल व मूत्र। मूत्र यानी कि पेशाब। पेशाब को अगर शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन। जब लिक्विड मटेरियल शरीर से बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, और जब सॉलिड मटेरियल शरीर से बाहर निकलता है तो उसे कहते हैं इजेशन यानी कि बहिक्षेपण। इसके अंदर सॉलिड मटेरियल यानी कि जो मल रहता है, टॉयलेट रहता है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसमें। तो इसके लिए हम लाइफ इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन में वो आपको बता दें, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये इसके लिए स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन। इसमें हम सॉलिड मटेरियल निकालते हैं, इसमें लिक्विड। तो इसके लिए जो हिंदी में मैं इसका मतलब बताती हूँ, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है बताओ, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, मान लो कोई क्लास है, कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो जो टीचर है उसको एक बार एक्सक्रीटरी सिस्टम मानते हैं। उसका काम क्या है, एक्सक्रीशन करना। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या है, ऐसा कोई बच्चा जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा हो तो उस बच्चे को उठा के वो क्लास से बाहर निकाल देता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाई कि उसने कहा उठ और क्लास से बाहर जा, तो वो प्रोसेस होगी एक्सक्रीशन। जो बच्चा बाहर गया है, जो अच्छा बच्चा नहीं है जो क्लास को डिस्टर्ब करे, जो बाहर गया है उसे बोलेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ उसे कहा जाता है। कुल मिलाकर बात क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है ऐसे मटेरियल का जिसकी हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलेंगे। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। अब यहाँ पर अगर हमारा
क्वेश्चन बना, तो एक सिंगल क्वेश्चन बनेगा, कौन सा, कि एक्सक्रीशन में कैसे पदार्थों का शरीर से बाहर निकाला जाता है, कैसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन हो उसको निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ना रेस्पिरेशन के अंदर, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिससे रेस्पिरेशन किया जाता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जो शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, उसके बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमोनोटैलिक, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक इसमें जरूर बनता है, अमोनोटैलिक, हिंदी में इसे अमोनोटैलिक ही कहा जाता है, अमोनोटैलिक, नाम से पता चल रहा है क्या निकालेगा बाहर, अमोनिया निकालेगा बाहर, नाम से पता चल रहा है क्या निकालेगा, अमोनिया, हिंदी में भी इसे अमोनिया ही कहा जाता है। इसकी मुझे वो बताओ केमिकल फॉर्मूला NH3, इसके अंदर होता है ऐसा, एक तो फिश के अंदर होता है, मछली के अंदर, दूसरा इंसेक्ट्स के अंदर होता है, यानी कि कीटों के अंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो कैसे बनेगा, फिश कैसी होती है, अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक का एग्जाम्पल बताओ, फिश या फिर इंसेक्ट कीट, क्या निकालते हैं फिश एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपने शरीर से बाहर, क्या निकालती है, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला बता दो NH3, पता चल गया कैसे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा है इसके, तो पहला था ना, दूसरा है यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक, हिंदी में इसे यूरियोटैलिक भी कहा जाता है, नाम से पता चल गया क्या निकालेगा बाहर, यूरिया निकालेगा, यूरिया, यूरिया कहा जाता है, यूरिया लिख दो, यूरिया लिख दो, एक ही बात है, यूरिया लिख दो। अच्छा, किस में होता है ऐसा, मैमल्स में होता है, मैमल्स यानी कि स्तनधारी, स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी हैं उनके अंदर यूरिया एज ए रिजल्ट बाहर निकलता है। इंसान किस में आते हैं, स्तनधारियों में आते हैं, तो इंसानों के शरीर से क्या बाहर निकलता है, यूरिया बाहर निकलता है। तो मैमल्स कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक, इंसान कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक, इंसान अपने अंदर से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकालते हैं, यूरिया, क्लियर। तीसरा देखो यूरिकोटैलिक, क्या निकालेंगे, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, अपने अंदर से ये क्या निकालेंगे, यूरिक अम्ल निकालेंगे। कौन करता है ऐसा, पक्षी, बर्ड्स जो होते हैं कुछ हम इसे बीट करते हैं ना, उस बीट के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है। फोर्थ देखो गुआनोटैलिक, गुआनोटैलिक, क्या निकालते हैं अपने अंदर से, गुआनिन निकालते हैं, गुआनिन, ठीक है। अच्छा, कौन करता है ऐसा, मकड़ी, मकड़ी कैसी होती है, गुआनोटैलिक होती है, मकड़ी कैसी होती है, गुआनोटैलिक, और क्या निकालते हैं अपने अंदर से, गुआनिन। तो इस तरीके से इनमें से कोई एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम से कोई क्वेश्चन बना तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। पक्षी कैसे होते हैं, अमोनोटैलिक, सॉरी यूरिकोटैलिक, क्या निकालते हैं अपने अंदर से, यूरिक एसिड निकालते हैं। मैमल्स कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक, क्या निकालते हैं अपने अंदर से, यूरिया निकालते हैं। फिश कैसी होती है, अमोनोटैलिक, क्या निकालती है, अमोनिया निकालती है। मकड़ी कैसे होती है, गुआनोटैलिक, क्या निकालते हैं अपने अंदर से, गुआनिन। ऊपर नीचे करके या अपोजिट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है कि ये कैसा रहेगा, और आपको जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बताया हुआ है ना, उसके ऊपर नोट्स हैं सारे के सारे, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये क्लियर है इतना, ये था कि कौन कौन सा प्रोडक्ट वो निकालेंगे। अब हम बात करेंगे कि इंसान के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इंसान के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन
किडनी होती है, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरेथ्रा होता है और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, इतना होता है। किडनी को हिंदी में कहा जाता है ब्रिक, इसे गुर्दा भी बोलते हैं, कई जगह गुर्दे लिखा होता है। यूरेटर को हिंदी में कहते हैं मूत्र वाहिनी। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को कहते हैं मूत्राशय और यूरेथ्रा को यूरेथ्रा ही कहा जाता है, इसको मूत्र मार्ग भी बोल सकते हैं। वैसे मूत्र मार्ग यहाँ बना के दिखाती हूँ कैसा होता है। क्या होता है किडनी का?
रक्त को छानना। ठीक है, रक्त को छानने का काम, मैंने कल भी बताया था आपको कि हार्ट पंपिंग ऑफ ब्लड, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है फेफड़े लंग्स, और छानने का काम किसका था, किडनी का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का ही फिल्ट्रेशन करता है। और क्या करता है ये, जहर को निष्क्रिय करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, जहर को निष्क्रिय करता है। अब इसका, इसकी पढ़ते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, जहर को निष्क्रिय करने का काम क्या है। अगर किसी पर्सन को जहर दिया गया है या उसने खुद खा लिया है, कुछ भी एक्सपायर जा रहा है, उसके शरीर में जहर पहुंचा है, तो किसी भी इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसकी मृत्यु जहर की वजह से हुई है। बच्चे बोलते हैं किडनी की वजह से, किडनी की वजह से कैसे हो जाएगा, किडनी तो उस जहर को क्या करती है, निष्क्रिय करती है। निष्क्रिय मतलब उसके जहरीली जो प्रोडक्ट है, जहरीला प्रोडक्ट, उसको खत्म करती है। और किडनी से पहले जो जहर है वो कहाँ पहुँचता है, लीवर में पहुँचता है, यकृत में। यकृत जो है ना वो भी डिटॉक्सिफाई करता है चीज़ों को। जैसे शराब पीते हैं तो क्या खराब होता है, सबसे ज़्यादा लीवर खराब होता है, क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लीवर के अंदर कुफर कोशिकाएं होती है, कुफर कोशिकाएं क्या करती है, जहर को निष्क्रिय करती है, जहर को डिटॉक्सिफाई या निष्क्रिय करने का काम होता है, बोलते हैं इसे। जब कभी जहर हाई क्वालिटी का हो, बहुत ज़्यादा असरदार हो कि खाते ही डेथ हो जाए, तो उसका लीवर खराब होता है हमेशा, उसकी वजह से उसकी डेथ होती है, उसकी कुफर कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट। तो जहर का जो मेन रोल होता है वो किस पे होता है, लीवर पे। किडनी थोड़े बहुत जहर, जो हल्की फुल्की जहरीली चीज़ें हैं उनको क्या कर सकती है, निष्क्रिय कर सकती है। इसका वैसे मेन काम क्या रहता है, ये तो इसका साइड काम है, मेन जो काम रहता है वो क्या रहता है, हाँ, ब्लड को फिल्टर करना। और फिल्ट्रेशन में इसको ये नहीं पता कि मैं अच्छी चीज़ों को फिल्टर कर रही हूँ या ख़राब चीज़ों को, ये सिर्फ ब्लड को फिल्टर करके अलग कर देती है। ठीक है, चाहे अच्छी चीज़ें जैसे विटामिन है हमारे लिए अच्छे हैं, उनको भी उठा के बाहर फेंक देगी। ठीक है, जो किडनी है इसका ये काम है फिल्ट्रेशन का, इसको फिल्ट्रेशन का पता नहीं है कि मुझे क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ नहीं। उसका फंक्शन हम पढ़ेंगे कि जो अच्छी चीज़ें आगे चली जाती है फिर वो हमारे शरीर में वापस कैसे आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर से रक्त को छानने के बाद क्या निकलता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है। ये क्या करता है, पेशाब का निर्माण करता है, यूरिन फॉर्मेशन, पेशाब का निर्माण करता है। अगर पेशाब के बारे में क्वेश्चन आया तो ये आएगा कि जो इसका रंग होता है वो कैसा होता है, क्यों होता है। यूरिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी एक तो मुझे पीएच बताओ कितनी है, पीएच होती है 4.8। माध्यम इसका कैसा होता है, अम्लीय होता है, कैसा होता है माध्यम इसका, अम्लीय होता है। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है, तो कॉम्पोजिशन में 95% होता है पानी, 2% होता है यूरिया, बचा हुआ 3% होता है अदर प्रोडक्ट्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, जो खा रहे हैं उसी का कुछ प्रोडक्ट इस 3% से आता है, कुछ भी हम खा सकते हैं उसका 3% इसमें आया। अगर हम इसके कलर की बात करें तो कलर होता है इसका पेल येलो, यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट है जो पेशाब के अंदर पाया जाता है, ये इसको पीला रंग देता है। क्वेश्चन आता है पेशाब का पीला रंग कौन से पिगमेंट की वजह से, कौन से वर्ण की वजह से, तो पेशाब का पीला रंग किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। बच्चे लिखते हैं बिलिरुबिन की वजह से, बिलिरुबिन की वजह से जो टॉयलेट होता है उसका रंग पीला होता है, ना कि इसका, इसका रंग पीला होता है यूरोक्रोम की वजह से। पेशाब की तीखी सी स्मेल होती है, वो स्मेल किस वजह से होती है, वो स्मेल होती है अमोनिया की वजह से। स्मेल किसकी वजह से होती है, वो अमोनिया की वजह से होती है। ठीक है, जो पेशाब के अंदर स्मेल आती है वो अमोनिया की वजह से आती है। अब एक बात बताऊँ, मैंने यहाँ पे कहीं भी आपको अमोनिया लिखा हुआ बताया, कहीं भी अमोनिया है नहीं है, तो बच्चे कहते हैं 3% में मिलेगा, इस 3% में भी अमोनिया नहीं होता।
को यूरिया खाते हैं, शरीर में ही तो बनता है यूरिया। अब ये यूरिया शरीर में बनेगा कैसे? हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो प्रोटीन से क्या टूटते हैं? अमीनो एसिड। प्रोटीन से क्या मिलते हैं हमें? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। तो इससे एज ए वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है? अमोनिया। इसका मतलब हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है, लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अमोनिया ना काफी खतरनाक होता है। ये शरीर के अंदर अगर रहेगा तो हमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देता है, इसलिए इस अमोनिया को लेके जो लीवर है इसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ये यूरिया बना है ना, ये इस अमोनिया की वजह से तो बने। जो अमोनिया है वही तो यूरिया में कन्वर्ट हुआ है इंसान की बॉडी के अंदर। अब ये यूरिया जो है, ये यूरिन के थ्रू शरीर से क्या निकल जाता है? बाहर। तो फिर यूरिन में स्मेल अमोनिया की कैसे? कभी भी देखना जो फ्रेश यूरिन होता है ना उसमें स्मेल नहीं आती। जो यूरिन थोड़े टाइम का हो जाता है, 2-4 घंटे बाद का यूरिन होता है, उसमें स्मेल आती है। एक एग्जांपल बताती हूँ कैसे। जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं ना जिसमें लोग फ्लश नहीं करते, मतलब यूरिन पास किया और आगे, है ना, या जो दीवारें होती हैं उस पर लिखा होता है यहाँ पर पेशाब करना मना है, उसी पर जाके लोग करते हैं, है ना, वहाँ पे पानी से उसको साफ नहीं कर सकते, वहाँ पे देखना एक गंदी सी तीखी सी बर्निंग सी स्मेल आती है। वो स्मेल किसकी होती है? अमोनिया की। वो स्मेल आपने और कहाँ स्मेल की होगी? जो हेयर कलर्स आते हैं ना बालों में लगाने वाले कलर, उनके अंदर भी वो गंदी सी तीखी सी स्मेल होती है, वो अमोनिया की होती है, बर्निंग सी स्मेल आती है ना। अब हाँ, अब जो मेन बात है वो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, वो ये कि जो दीवार है जिस पे लिखा होता है यहाँ पर पेशाब करना मना है, लोग वही जाके करते हैं, है ना, थोड़े दिनों बाद उस दीवार की हालत देखना कितनी खराब हो जाती है। अगर उस अमोनिया से उस दीवार की हालत हो सकती है, तो सोचो हमारे शरीर की क्या हालत हो सकती है। इसीलिए अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है बाय द लीवर। जब ये यूरिया में कन्वर्ट हो चुका है तो अमोनिया कहाँ से आया? ये कुछ टाइम के लिए ही कन्वर्ट होता है, थोड़े टाइम के बाद यूरिया वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। इसीलिए कहा जाता है कि हमें लंबे टाइम तक पेशाब को रोक कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पेशाब की थैली होती है ना मूत्राशय, वो जब पूरी भर जाती है उसके बाद में कई लोगों को ना ऐसे आदत होती है यूरिन को कंट्रोल करके रखने की, सुबह से लेकर शाम तक कंट्रोल कर सकते हैं, घर जाके करेंगे, यहाँ पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल नहीं करना हमने, है ना। तो उस केस में क्या होता है, उनको यूरिन इन्फेक्शन होने के, पेशाब की थैली में जख्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि देखो दीवार की कैसी हालत हो गई अमोनिया की वजह से, थोड़े टाइम के बाद वो यूरिया तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाना है? अमोनिया के अंदर। और वो अमोनिया जो पेशाब की थैली पर क्या इफेक्ट डालेगा? खराब इफेक्ट डालेगा। इसकी वजह से उन लोगों को पेशाब की थैली में क्या होती है? जलन होती है, पेशाब में जलन होती है और उनके जख्म हो जाते हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है। ये रीज़न रहता है इन्फेक्शन होने का। जो लोगों को पेशाब में जलन रहती है ना, कहते हैं पेशाब की गर्मी हो गई है या जलन हो रही है, उसमें ये मेन कारण रहता है। एक तो वो पानी कम पीते हैं, दूसरा वो यूरिन को ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रेशर बनता है, इसको पास कराना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, यूरिया वापस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, शरीर को कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। अब एक बार मैं दोबारा से बता दूँ स्टार्टिंग से, जो चीज़ें वहाँ पर रह गई थी वो एक बार अब बता रही हूँ आपको। ये देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, उत्सर्जन के अंदर उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, नाइट्रोजिनियस वेस्ट, नाइट्रोजिनियस वेस्ट में हमारे शरीर के अंदर क्या निकलता है, यूरिया बाहर निकलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अमोनोटेलिक क्या निकालते हैं? अमोनिया निकालते हैं। अमोनोटेलिक क्या निकालते हैं? अमोनिया बाहर निकालते हैं। यूरियोटेलिक क्या निकालते हैं? यूरिया। यूरिकोटेलिक क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड। और गुआनोटेलिक क्या निकालेंगे? गुआनिन बाहर निकालते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के नाम बताते हैं। हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये पार्ट होते हैं। यूरिन यहाँ से बनना शुरू होता है, ड्रॉपवाइज 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। जब ये पूरा भर जाता है तो यहाँ से पास कर दिया जाता है, यूरेथ्रा से, मूत्र मार्ग से यूरिन को, पेशाब को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम
मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं, सबसे छोटी इकाई पूछ लेते हैं हमसे, नेफ्रॉन होता है, संख्या पूछ लेंगे 1 मिलियन, स्टडी को क्या बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, वेट कितना होता है 40 ग्राम, काम क्या होता है रक्त को छानना, जहर को निष्क्रिय करना और पेशाब का निर्माण करना, ये इसके मेन काम रहते हैं। पेशाब की अगर बात करें तो उससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, पीएच कैसा होता है, 4.8, माध्यम कैसा होता है, अम्ल या कॉम्पोजिशन में ये चीजें आती हैं। और इसका जो रंग है पीले रंग का वो कौन देता है, यूरोक्रोम। और इसका जो स्मेल है वो किसकी वजह से आती है, अमोनिया की वजह से। अब हम पढ़ते हैं यूरिया का फॉर्मेशन, अगर पूछे कि यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ होती है, लीवर में। एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, किडनी से। एक्सक्रीशन कौन करता है, किडनी, और फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताती हूँ, आपने ये सुना होगा कि एक तो होती है किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, और एक होता है गाउट, और एक होता है किडनी फेलियर। किडनी से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बता दूँ आपको। एक किडनी स्टोन होता है, गाउट होता है, एक किडनी फेलियर होता है। मैं तीनों के बारे में आपको बताती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। किडनी स्टोन पथरी आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है, पथरी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई होती है पथरी। पथरी का कॉम्पोजिशन पूछा जाता है कि पथरी किससे बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। बनती कैसे है वो सुनो, ऐसा नहीं है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कैल्शियम ज्यादा लेने से ऑक्सलेट, कि कैल्शियम ज्यादा खाने से, कोई मिट्टी खा रहा है तो उसको पथरी बनेगी, कोई बीज वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं तो उसको पथरी बनेगी। पथरी शरीर की तासीर होता है उसको बनाना। कई लोग इस कैल्शियम को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत जल्दी इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो कैल्शियम इकट्ठा ही नहीं होगा, और कैल्शियम इकट्ठा ही नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पर किसी प्रकार का कोई भी पथरी नहीं बनेगी। जब लोग कैल्शियम का इंटेक ज्यादा और मैग्नीशियम का इंटेक कम लेते हैं उस वक्त पथरी बनती है। पथरी जब बनती है ना, तो ये देखो ये किडनी बनाई है ना, ऐसे करके एक बना के दिखा रही हूँ अभी, इस या तो यहाँ होगी पथरी इस हिस्से में यानी कि किडनी में, या यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, तीन चीजें होती है जहां पर पथरी मिल सकती है। इस वाले हिस्से में लोअर यूरेटर कहलाता है, मिडल यूरेटर, अपर यूरेटर इसको बोलते हैं। ये पथरी अगर यहाँ पे है तो बिना किसी टाके के, बिना किसी कट के पथरी निकाल सकते हैं, क्योंकि पथरी को निकालने की क्या होती है, जगह होती है, यूरेथ्रा है, वहां से इंस्ट्रूमेंट डाल के पथरी को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किडनी में पथरी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर कट लगा के फिर पथरी को निकाला जाता है, ठीक है ना। पथरी का दर्द बहुत भयंकर होता है, बहुत ज्यादा, तो क्या करना चाहिए पथरी को रोकने के लिए, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पानी पीना चाहिए, मैग्नीशियम वाली चीजें जैसे बनाना, बनाना के अंदर मैग्नीशियम होता है, वो चीजें ज्यादा खानी चाहिए, कैल्शियम की चीजें कम खानी चाहिए, क्योंकि जिसके शरीर की तासीर है ना पथरी बनाना, सिर्फ उसी को ये परहेज रखने होते हैं। जिसके शरीर की तासीर ही नहीं है पथरी बनाना, उनको कोई परहेज नहीं रखना होता, वो कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है, गोड़ गिफ्टे। उसके बाद होता है गाउट। गाउट आपने सुना होगा, गठिया बाव, घर में पेरेंट्स को बोलते हो गठिया, सुना होगा। उसमें क्या रहता है, यूरिक एसिड होता है, वो कहाँ स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है, जोड़े जो होते हैं ना, जैसे ये जोड़ है, ये इसको ना वो बोलते हैं जॉइंट, ये जॉइंट है, जोड़े बोलते हैं इनको, यहाँ पे गाउट के अंदर यहाँ पे यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली यहाँ पे होता है सैनोवल फ्लूड, हम आराम से इनको घुटनों को, कमर को ऐसे मोड़ सकते हैं ना, वहाँ पे सैनोवल फ्लूड है, आराम से मुड़ेगा। पर जिन लोगों में जो है यूरिक एसिड ऐसे जमा होना शुरू हो जाता है ना, उनके अंदर फिर इनको मोड़ने में उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फिर वो ऐसे जल्दी से मोड़ नहीं पाते, आटा गूंदना है तो वो नहीं गूंद पाते, ऐसे झुकना है तो वो नहीं झुक पाते, वो झुक के सामान लेना है तो नहीं ले पाते, बैठना चाहते हैं हम नॉर्मली बैठ जाते हैं ऐसे करके, वो नहीं बैठ सकते क्योंकि उनको घुटने में प्रॉब्लम होती है। तो गाउट के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड, नॉर्मली इस यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना होता है बाहर, किडनी का काम है इसको उठा के बाहर निकालना, लेकिन किडनी उसको नहीं निकाल पा रही, ये उसका क्या है, डिसऑर्डर है, किडनी अपना काम नहीं कर पा रही तो ये उसका डिसऑर्डर है। उस डिसऑर्डर में क्या होता है, वो यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रही, बाहर नहीं निकाल पा रही तो कहीं ना कहीं तो जाके यूरिक एसिड जमा होगा ना, कहाँ जमा हो जाता है, जोड़ों में, उससे क्या हो जाता है, गठिया। अब आता है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में क्या होता है,
इंसान के पास दो किडनी होती है, ठीक है। एक किडनी अगर खराब हो जाए तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी दोनों किडनी खराब होने पर होती है। एक किडनी खराब हो गई, दूसरी से इंसान काम चला सकता है, पर जब दोनों किडनी खराब हो जाती है तो क्या होगा, क्या होता है? मौत तो नहीं होती, ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी दोनों किडनी खराब है, तो उस वक्त डॉक्टर कहेंगे कि अब ना आपकी किडनी काम नहीं कर पा रही, तो आपको किसी और इंसान की किडनी अपने शरीर के अंदर डलवानी पड़ेगी, है ना। फिर ऐसे तो नहीं है ना, अभी अभी बोला डॉक्टर ने कि किडनी खराब है, अभी अभी कोई किडनी लेके प्रकट हो जाता है, ले मेरी किडनी डाल ले, नहीं होता ना। थोड़ा सा उसको वेट करना पड़ता है, उसको एग्जैक्ट किडनी ढूंढने में, अपने परिवार वालों को मनाने में, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, तो पैसे थोड़ी निकाल के दे दिए, किडनी निकाल के देनी है, तो बहुत बड़ी बात, उसको मनाना पड़ता है अपने पेरेंट्स को या जो भी उनके आसपास हैं, भाई किडनी को ये अरेंज करवाए, ठीक है। लेकिन जब तक किडनी नहीं मिलती तब तक क्या होता है, जब तक किडनी नहीं मिलेगी तब तक एक प्रोसेस है जिसे कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कब की जाती है, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा होता तब की जाती है। डायलिसिस को क्या कहा जाता है, कृत्रिम मृत कहा जाता है। कृत्रिम मृत का मतलब होता है आर्टिफिशियल किडनी से कहा जाता है। नॉर्मल हमारी नेचुरल किडनी जो काम कर रही है ना, वही काम ही डायलिसिस करता है। डायलिसिस एक मशीन होती है जिसमें सारा का सारा ब्लड इसके अंदर से होकर गुजरेगा और वो क्या करेगा, उस ब्लड को फिल्टर कर देगा 24 घंटे में या 2 दिनों में 3 दिनों में, इसको एक बार करवाना जरूरी होता है, अदरवाइज ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एक्युमुलेट हो जाएंगे और इनसे देखो कितनी सारी बीमारियां हो रही है, और भी हैं लेकिन सारी आपको पढ़नी नहीं है, तो ये मेन है ये पढ़ना है। इसके अंदर किडनी फेलियर के अंदर क्या होता है, डायलिसिस। डायलिसिस में क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल किडनी। जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता तब तक इंसान को डायलिसिस पर रखा जाता है। उसके बाद जब किसी की किडनी मिल जाती है, एग्जैक्ट मैच करती हुई किडनी मिल जाती है, तो उस किडनी को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना, तो ये इतना ही, लेकिन छोटा सा टॉपिक और है, मैं आपको बताती हूँ। जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन का मैंने डायग्राम नहीं बताया आपको, नेफ्रॉन का डायग्राम होता है ऐसे, छानने वाला, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये वैसे तो इस पे कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कई बार ना थोड़ा सा एग्जाम को टफ बनाने के लिए आपको ये डायग्राम दे देंगे, और इस डायग्राम में ए बी सी डी डिनोट कर देंगे और कहेंगे कि आप एग्जैक्ट नाम बताइए कि इस पार्ट का क्या क्या नाम है। तो मैं हर एक पार्ट का नाम बता रही हूँ आपको। ये यहाँ पे जैसे छल्ली टाइप होता है उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ये जैसे कप शेप का होता है इसको बोमन संपुट बोलते हैं, बोमन संपुट, हिंदी में बोलते हैं बोमन संपुट, इंग्लिश में इसको बोमन कैप्सूल कहा जाता है या बोमन कप बोल सकते हो, ठीक है ना। ये वाले हिस्से को पीसीटी बोलते हैं, ये वाले हिस्से को डीसीटी बोलते हैं, मैं भी समझाती हूँ क्यों बोलते हैं। ये वाले हिस्से को कहा जाता है लूप ऑफ हैंडलिंग, और इसे कहा जाता है कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग ट्यूब कहा जाता है। ये आपको नाम याद रखने हैं। इसमें क्या देखो, ये सब पीसीटी, पी से पास, पी से प्रोक्सिमल, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। मान लो ये मैंने एक पॉइंट मान लिया कि यहां से पास है यहां से दूर, तो यहां पे अगर कोई चीज है तो इससे पास है ना, ये प्रोक्सिमल है, इससे ये दूर है ना, तो इससे ये डिस्टल है, तो पी से पास डी से दूर, इसके ये पास है तो पीसीटी, इससे ये दूर है तो डीसीटी, इससे आप नाम याद रख सकते हो उसका। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए, वैसे तो इस पे कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, मैंने आपको बताया, लेकिन कई बार क्या कर देते हैं, डायग्राम दे देते हैं, एबीसी को डिनोट कर देते हैं, मान लो यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, ऐसे करके, तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, नाम, उसको नाम लेबल करना पड़ता है, तो वो नाम आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे यूरिन कैसे बनेगा, देखो ब्लड आता है यहाँ से, इस हिस्से से ब्लड आता है, यहाँ पे ब्लड छन जाएगा, मैंने कहा था ना ब्लड छनता है, तो कोई पता नहीं चलता कि अच्छे पार्टिकल आगे जा रहे हैं, बुरे पार्टिकल आगे जा रहे हैं, अच्छे बुरे सारे पार्टिकल आ रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ये ट्यूब्स हैं, ये क्या करेगी, अच्छे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है, री एब्जॉर्प्शन, यहाँ जो हुआ वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था, यानी कि फिल्ट्रेशन हो गया,
यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है, अच्छे पार्टिकल्स को वापस से क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब। अब अच्छे अच्छे पार्टिकल सारे एब्जॉर्ब हो गए तो पीछे क्या बचे, खराब पार्टिकल्स बचे ना, वो खराब पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से मुझे, अभी है कोई डाउट, कुछ पूछने है किसी ने, किडनी से रिलेटेड कुछ भी उसमें एक यूरिक एसिड है हमारे शरीर में। कई बार कई चीजें हम खाते हैं, जैसे दाल होती है ना, दाल कई लोग क्या करते हैं, दाल को सीधा सिंपल चढ़ा देते हैं, बना देते हैं। कई कभी ना देखना दाल को सीधा उबाल के देखना, उसमें व्हाइट व्हाइट से ऊपर झाग से आ जाएंगे, वो झाग के अंदर में यूरिक एसिड होता है। जब वो इंसान ऐसे खा जाता है तो उस यूरिक एसिड को खा लिया साथ में, अब उसको ना शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, वो काम होता है किडनी का। जब किडनी अपना काम ढंग से नहीं कर पाती तो इसका मतलब वो यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाएगी, और वो यूरिक एसिड अगर खून में ही रह गया तो कहीं तो जाके जमा होगा ना, वो इन जोड़ों में जमा हो जाता है। और यहाँ पे नॉर्मल होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए साइनोवियल फ्लूइड, जिससे हम कहते हैं ग्रीस होना चाहिए। वो ग्रीस क्या देगा, कम, उससे फिर ऐसे करते करते ना आवाज़ आती है, जैसे कोई उठता है बैठता है तो ऐसे आवाज़ आती है ना घुटनों में कि हड्डियाँ बोल रही हैं, तो वो चीज़ होने लग जाती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे होता है गठिया भाव। ठीक है ना, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा यहीं तक है, और इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उसको आप उनको आप देख लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी कि मैं आपको क्या करवाऊंगी, मे बी हम नर्वस सिस्टम करें। तो आज की क्लास बस यहीं तक, क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।